सी एडमिशन ओपन है, साथ साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर भी हम जो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो मटेरियल ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया फेसबुक पेज पे, गवर्नमेंट सबके ऑफिशियल पेज पे भी लगा हुआ है और दिया है, और मेरे ऑफिशियल पेज पे भी अवेलेबल है। वो वीडियोस कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और हम अभी 2 महीने के बाद टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ऑन साइट प्रूव लगा। ऐसे एजुकेशन सिस्टम हमारा तब है, मतलब ये मुझे कहने में कोई इसमें आर नहीं है कि आजकल का जो दौर है वो सारा स्किल्स बेस्ड है। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है आपके पास, तो फिर आप जितना भी पढ़ लो उसका कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन हमारे सिस्टम के सारे सामने है। ऐसा माहौल नहीं है कि एक बंदा जो है घर का खर्चा पैसे, अब मेरी सबसे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में फिक्र रहती है, और बच्चे नहीं है तो घर के हालात की वजह से परेशान रहती है, पर तो बाहर चले जाता है, लेकिन औरत के पास सोचने के लिए पूरा दिन होता है। ये एक ऐसी फील्ड है कि घर बैठे जिसमें आपको काम मिलता है, सारा काम आप इंटरनेशनली लोगों के लिए करते हैं, तो घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। कल्चर हमारा है कि खबर घर से बाहर नहीं निकलना, तो एटलीस्ट इतना तो आप उनको रिलीफ दें कि वो यहाँ पे आके कि घर वाले या आपके शोहर, पेरेंट्स तो ये नहीं करते, लेकिन ये ज्यादातर वो खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मैरिड है, इनके शोहर पाबंदियां लगाते हैं कि वो यहाँ पर आके ना पढ़े। कल भी एक रिपोर्ट हुआ है कि उनके एक खवातीन है, उनकी जो है शोहर था उनको सिर्फ इस वजह से कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, उन्होंने कहा मैं जाऊंगी, और इस वजह से 2 केस ऐसे हमारे पास रिपोर्ट हो चुके। आज सवाल उठो, इस वक्त हम मौजूद हैं दानियाल नकुली के साथ। दानियाल नकुली जो कि आईए आईसी के सीईओ हैं, और उसके अलावा गवर्नर आईटी प्रोग्राम के भी सीईओ हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने वक्त निकाला है, हम इस वक्त इनसे डिस्कस करने वाले हैं, खास तौर पर बच्चों के मुस्तकबिल और नौजवानों के मुस्तकबिल के आगे से। आपको बताया 2 महीने की छुट्टी हो गई है, पेरेंट्स परेशान हैं, स्कूल ऐसा प्लेटफॉर्म या कॉलेज ऐसा प्लेटफॉर्म हो या यूनिवर्सिटी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, हम इनसे पूछेंगे बच्चों के लिए वो क्या ऐसा मैसेज दे आएंगे, क्या वो समर कैंप अटेंड करें या किसी कोचिंग सेंटर में जाके ग्राफिक्स एनिमेशन सीखें, या क्या ऐसा वो काम करें जिससे उनका वक्त ज़ाया ना हो। पेरेंट्स के हवाले से मैसेज हो और स्कूल के हवाले से मैसेज हो जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, आप बताएंगे बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से। अब मैं यही कहूँगा कि जो हमारा बेसिकली एनवायरनमेंट, जो हमारा कल्चर और जो मामला पूरे पाकिस्तान के चल रहे हैं, इतने जो है प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कि जो फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो जहाँ वहाँ पर लोड शेडिंग के मामला और ये सारी चीज़ें, तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी कोई बच्चे की रही नहीं। जैसे कि अभी हमारे एक जो इस इनिशिएटिव के जीएम भी हैं इमरान साहब, वो मुझे उस दिन बता रहे थे कि वो एनसीसी में नेशनल कोचिंग सेंटर के अंदर अपने बच्चे को लेके जाते हैं और वहाँ पे जिमनास्टिक की क्लासेस वगैरह वहाँ पे करवा रहे हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, समर वेकेशन पर बच्चों को एंजॉय करना चाहिए और वो जाए और इस टाइप की एक्टिविटीज में भरपूर हिस्सा लें। इसके साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स से कहते हैं कि कोई शॉर्ट कोर्स वगैरह हम करवा दें, तो बिल्कुल ये भी जरूरी है। मैं इस पर ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेज वगैरह, ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह की तरफ चले जाते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप सॉफ्ट स्किल्स की तरफ जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह को एक्सप्लोर करवाएं। दूसरा ये है कि हार्ड स्किल्स में आपको पता ही है जो इस पर ऑफर करते हैं अपना 2020 में, और PIVIC के अंदर प्रोग्रामिंग के जो कोर्सेज हैं, तो उसमें ये एडमिशन ले सकते हैं। PIVIC के एडमिशन ओपन है, साथ साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर भी हम अभी जो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो मटेरियल ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया फेसबुक पेज पे, गवर्नमेंट सबके ऑफिशियल पेज पे भी लगा हुआ है और दिया है, और मेरे ऑफिशियल पेज पे भी अवेलेबल है। वो वीडियोस कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और हम अभी 2 महीने के बाद टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ऑन साइट प्रूव लगा देंगे। तो हमने सुना है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब 10-12 साल की 13 साल की बच्चियां हैं जो इसको एंडिंग कर रही हैं अपने एसएससी या वुमेन प्रोग्राम में से, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनको सहारा दे रही हैं। आपको पता है माशाल्लाह जिस पर क्या है कि पेरेंट्स अकेला कुछ नहीं कर सकते, और इतना आपको पता है स्कूल वाले जो हैं, जो हमारा बोर्ड सिस्टम है, और उनके पास कोई लायक नहीं है कि 2 महीने बच्चे क्या करेंगे, कोई ऐसा रोड मैप नहीं है ऐसा फ्यूचर के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने अपना अपडेट किया है और उनके अंदर बदलाव आया है, कोडिंग क्लासेस हो रही है, उसके अलावा SSC से ऊपर जो है आपकी ट्रेन किया जा रहा है, एडमिट मार्क्स से नहीं किया गया है कि स्कूल और इस तरह की एजुकेशन समझ में नहीं आती, हमको इसके सिलेबस को समझता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई रोड मैप, ऐसा बोर्ड सिस्टम हो, और जो जो आपको बताया सिंह बोर्ड के और जो बाहर के बोर्ड्स हैं उनके हवाले से कोई ऐसा मैसेज दें कि जी बिल्कुल आप
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा तब है, मतलब ये मुझे कहने में कोई इसमें आर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बुरा एजुकेशन सिस्टम बाहर हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर। अभी हम एसआर जिया ने एक स्कूल ऐसा मॉडल जो है चूज किया है अभी पब्लिक स्कूल, जिसके अंदर हम जो है आपको पता है जो सेक्शन होते हैं प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर फिर मिडिल के अंदर 6 to 8 जो क्लास होती है वो मिडिल में आती है, और फिर बाकी जो 9th मैट्रिक है वो सेकेंडरी में आती है। तो हम मिडिल के ऊपर फोकस किए हुए, और वहाँ पर हम जो है अपने प्रोग्रामिंग के जो कोर्सेज हैं जो बच्चों के लिहाज से डिजाइन किया हुआ पूरा सिलेबस है वो हम वहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है। देखिए आजकल का जो दौर है वो सारा स्किल्स बेस्ड है। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है आपके पास, तो फिर आप जितना भी पढ़ लो उसको तो फायदा नहीं है। एजुकेशन हमारे सिस्टम के सारे सामने है, तो इस पे फोकस बिल्कुल किया जा रहा है। और इसके बाद जो एक स्कूल हमने चूज किया उसके बाद हम इसको तमाम स्कूल पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस एजुकेशन के लिए एक डेली कोई बच्चा आता है कोडिंग के लिए, तो आपके समय हिस्ट्री क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री एजुकेशन क्या होना चाहिए? देखिए कोई इसमें जरूरी नहीं है कि प्री रिक्विजिट ऐसी कोई खास नहीं है। बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा सा बोलना आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, मैथ्स थोड़ी सी बेहतर हो, इसके अलावा कोई ऐसी इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं। एक चीज ये कि देखिए हमारी गाँव से अलग क्या हो गई, पहले जमाने में लोग थे अफसोस है 2 साल पहले गुंडा घूमते थे, जिससे मैंने सिक्के रंग के हटा देते क्या बात है। गुंडा घूम चुके हैं, क्योंकि अब फायदा ही नहीं है, सिक्के की वैल्यू नहीं है। और एक ऐसा आदमी भी जिसको पैसे की जरूरत है वो सिक्के लेने को तैयार नहीं है, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई और लोग डॉलर्स की तरफ कन्वर्ट हो गई और डिजिटल करेंसी की तरफ कन्वर्ट हो गई। लेकिन अवसर ये है कि आपको बताया क्रिप्टो दुनिया के अंदर जो है एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर टोकन ऊपर नीचे जाते रहते हैं, और आपने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उसको समझने के लिए और उसको सीखने के लिए क्या हमें जमाने के साथ चलना चाहिए? पाकिस्तान में बोलते हैं क्रिप्टो ब्रांड है और दुनिया भर के अंदर खुला है, पाकिस्तान में जब खुलेगा जब तो दुनिया आगे जा चुकी है। इस हवाले से बताएं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्रिप्टो की बात होती है और उनको कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो इसमें आपने स्टार्ट किया है और जो दूसरे लोगों ने स्टार्ट किया है क्या कैसे है? देखिए आप एक तो शुरू में बात थी गुल्लक वाली, तो मुझे आप बचपन में लेके चले गए। मेरी कोई इतनी एज नहीं है और गुल्लक का जमाना भी इतना पुराना नहीं है कि मैं कहूँ तो, लेकिन सच बात है कि लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं है, तो वो गुल्लक तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तो सेविंग वाला तो टाइम ही नहीं है, जो आया वही पूरा नहीं हो पा रहा। ट्रेंडिंग इस पर अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको अवेल करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, इस पर भी बूम है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये कह सकता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर भी दो तरह के मैंने लोग देखे। एक कहते हैं जी ये जो है बबल है बस हो जाएगा, लेकिन जब मुझे बताएं कैसा एक बबल है, जो कि 2018 से मैं खुद क्रिप्टो ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ। जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस वक्त बिटकॉइन के प्राइस हुआ करते थे $1,000 से $1,500 का एक बिटकॉइन होता था, और आज वो बिटकॉइन $17,000 की ट्रेडिंग में, तो ये कैसा बबल है। खैर कहने का मकसद ये है कि आपकी जो फ्यूचर करेंसी है वो यही, और इसको जितना जल्दी अडॉप्ट किया जाए उतना अच्छा है। और प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, अब आपने एक इशारा कर ही दिया है, तो क्रिप्टो फ्लीट एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उस पर लोग जाके जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें वो डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। जो रोजगार सिस्टम है वो भी आप देख रहे होंगे कि नक्शे वाले लड़के हैं, जो ठेली लगाने वाले लड़के हैं, चीफ मिनिस्टर वाले लड़के हैं, ये हमारा जो इससे पहले वो इस तरफ खड़ा हुआ है। तो मैंने भी एकदम प्लेटफॉर्म से मेरे भाई बात की है कि वो अपना किसी चलाने की जरूर ये करें, लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी का हिस्सा बने, क्योंकि हमारे जो बराबर में एक सऊदी अरब मुल्क है जिसने नियम शुरू काम किया है, वहाँ पे लाखों लोग जॉब करेंगे, तो अगर आप अपने पार्ट टाइम के साथ अगर इस तरफ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। मेरा क्या मकसद ये है कि ऐसे तमाम नौजवान जो मायूस होकर गलत राह की तरफ जा रहे हैं उनके लिए आप क्या मकसद देंगे? क्योंकि हमारे पास तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो लाखों रुपए दे के टेक्नोलॉजी को सिखा रहे हैं, लेकिन गवर्नर फ्री प्रोग्राम किया, इसमें बहुत कम फीस है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे, तो उनके लिए कौन सा आप गेट दे देंगे? देखिए जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि स्टेट को करने चाहिए, हुकूमत को करने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से ऐसे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए आपने किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना,
मुझे आप बताएं क्या गूगल फ्री है या पेड है? फ्री है ये, चैट जीपीटी फ्री है पेड है? फ्री है। यूट्यूब फ्री है पेड है? फ्री है। तो आप किस पर रोक रहे हैं? आपको खुद अपने आप को आप पर रोक रहे हैं। बस सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस का इशू। तो क्या कोशिश करते हैं कि जिस लेवल पे इसको मार्केट करके हम जो है प्रमोट कर सकें। तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम देखने वालों से, तमाम पर्सन मैं यही कहूँगा कि PIIC.org/govmentkishori.com पे जाकर आप लोग, दो अलग अलग साइट्स हैं, किसी भी आप चले जाएं वहाँ पे आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा और ऑनलाइन तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। आप पढ़ना शुरू कर दें, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको पढ़ें और इंशाल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि आप खुद गूगल कर लें कि जो सर्टिफिकेशन वहाँ पर हम करवाते हैं उसकी गूगल करके देख लें कि बढ़ती। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो क्राइम वगैरह है, वो यही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं। तो इस चीज़ की तरफ फोकस करें, टेक्नोलॉजी की तरफ आए और बाकी तो इंशाल्लाह ताला लोगों के साथ हम। ऐसा माहौल नहीं है कि एक बंदा जो है घर का खर्चा स्पेस। अब मेरी सबसे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में फिक्र रहती है, और बच्चे नहीं है तो घर के हालात की वजह से परेशान रहती है। पर तो बाहर चले जाता है, लेकिन औरत के पास सोचने के लिए पूरा दिन होता है, और उस पर मर्द आगे उसको सुनाता है। अगर वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहती है तो वो निकाल नहीं पाती। और आपको बताया जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आपने प्लेटफॉर्म बताया कि IIT का आपके देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट पे हम जितना काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, दिन रात करते हैं। और सर सिया ने इस पर बड़ा काम किया है, जिसका रिजल्ट हमने गवर्नर क्राइटेरिया पर देखा भी है। गवर्नर साहब ने स्पेशली खवातीन के लिए सेपरेट जो है मुझे कहा भी गया था कि फोकस करना है अपने खवातीन को आगे निकलाने के लिए। तो हमारे पास खवातीन यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट है वो एक अच्छा खासा उनका इशू है। लेकिन अभी देखें आप जो है ना, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन आप देखें तो वुमेन और फीमेल और मेल में 50-50 का रेशियो है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर 20% फीमेल है 80% मेल है, 50-50 रेशियो है, तो हम इग्नोर नहीं किया जा सकता फीमेल्स को। अब मसला ये है कि देखें, अभी दो मुझे रिपोर्ट्स जो है मिली है, एक कल मिली है और एक कुछ 2 हफ्ते पहले मिली थी। और इस तरीके के मुझे कई खवातीन के मैसेज आए कि उनके घर वाले पाबंदी लगा रहे हैं कि वो जाकर IIT कोर्स कर रहे हैं, जो गवर्नेंस IIT इनिशिएटिव पे कोर्स हो रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो हमारा कल्चर जो है, इसको सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी फील्ड है कि घर बैठे जिसमें आपको काम मिलता है, सारा काम आप इंटरनेशनली लोगों के लिए करते हैं, तो घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। जो कल्चर हमारा है कि खबर घर से बाहर नहीं निकलना, तो एटलीस्ट इतना तो आप उनको रिलीफ दें कि वो यहाँ पे आके कि घर वाले या आपके शोहर, पेरेंट्स तो ये नहीं करते, लेकिन ये ज्यादातर वो खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मैरिड हैं, जिनके शोहर पाबंदियाँ लगाते हैं कि वो यहाँ पर आके ना पढ़े। आप यकीन करें, अभी भी जरूरी भी कोर्ट करना अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन कोर्ट करना ये जरूरी इसलिए है कि कल भी एक रिपोर्ट हुआ है कि उनके एक खवातीन है, उनकी जो है शोहर ने उनको डाइवोर्स दे दिया सिर्फ इस वजह से कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा मैं जाऊँगी। और इस वजह से 2 केस ऐसे हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं। और कितनी ऐसी खवातीन के मैसेजेस हैं जो कि वो कहती हैं कि हम आने नहीं गए। तो ऐसे में तो आप देखें, ये बहसियत कौम, बहसियत मुल्क जो है, हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे कैसे हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसको काइंडली मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा उन तमाम हजरात से कि दिल बड़ा करें, आप भी आए और अपने वाइफ को भी लेकर आए। और यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज भी आती है। तो इसको इशू बनाना कि नहीं जी आप नहीं जाना, ये नहीं, इस चीज से हमें बाहर आना पड़ेगा। ये 90s का दौर नहीं है, ये आजकल जो है मॉडर्न सारा टाइम है। आपके आगे तमाम जो दुनिया जा रही है, तमाम टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट कर रही है, तो हमें इसको फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई ने बहुत कितनी बातें बताई ऐसी बात में, जो चाहे वो स्कूल का नौजवान हो चाहे वो कॉलेज हिस्ट्री का, उसके लिए ये एक कीमती मशवरे हैं जो आप
उस पे अगर अमल करते हैं तो आप अपना फ्यूचर बहुत वेट प्लस कर सकते हैं। हमारे चैनल के अवर सूट बताए पॉकेट के वाले, अरे पॉकेट एक बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। मैं तमाम देखने वालों को कहूंगा कि पॉकेट को सब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो ट्रेंडिंग न्यूज होती है वो पॉकेट पे आपको फौरी तौर पर मिल जाती है। तमाम देखने वालों को मैं वापस कहूंगा कि सब्सक्राइब करें। हमारा प्लेटफॉर्म आपको ये सारी प्रोडक्ट देता है, तो प्लीज देखते रहिए, फॉलो करें पॉकेट को।